अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं फरा, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फरा की ज़िंदगी में। तो जैसा कि मैंने बताया था लास्ट ब्लॉग में, आयरा जो है बेबी को देखने आई है हॉस्पिटल, क्योंकि उन्होंने अभी तक नहीं देखा है और सब लोग ये जानना चाहते हैं बेबी गर्ल है या बॉय है। तो ये सब मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी, तो मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा ये जानने के लिए। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो अपना कपड़ा करा चुके हो, मेरा नहीं हुआ है ना, मगर वेयर आर यू बेबी? आयरा का, आयरा आई है। हाथ नहीं लगाना, सैनिटाइज करो पहले। तुम्हारे जैसा लग रहा है? नहीं, नहीं लग रहा है। ये दादा क्यूट है। अरे क्यों, मतलब हाँ नहीं कह पा रही थी। अभी आयरा जा चुकी थी, आयरा और अमन दोनों चले गए थे और हमारा डिनर का टाइम हो गया था। ज़्यादा लेट हो जाता है ना तो डिनर मिलता नहीं है, इसलिए हमने डिनर मंगा लिया और थाल मंगाई। जबकि मैं काफ़ी लेट बैठी तब भी मुझसे नहीं खाया गया, मुझे ऑलरेडी मतलब बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा था, तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा मैंने खाया, बाकी की थाल पूरी ऐसी वेस्ट हो गई। तो ये देखिए, अभी जो है छोटू बेबी सो रहे हैं और मम्मी का चल रहा है उधर से, है तो डिनर मगर। हाँ तो मम्मी क्या खा रही है, चाय और सैंडविच है ना। और ये निशान की दो दो डबल शिफ्ट लगी हुई निशान की, एक तो वो वीडियो बना रहे हैं बागे बदले की सारी और दूसरा पे बच्चों को भी संभाल रहे हैं। अरे बहन बस सादे खतरनाक हो गया। फाइनली फ्रेंड्स, हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले मैं जो है बेबी को तैयार कर रही हूँ, उसके कपड़े चेंज करूँगी। इससे पहले तो जो नर्स हैं वही कर रही थी, आज मैं करूँगी। तो मैंने उसके लिए आज नए नए कपड़े निकाले हैं, इससे पहले भी पहना था, फर्स्ट टाइम पहना रहे हैं। ये रही इसकी लेगी, ये रहा इसके ऊपर का, कितना प्यारा सा है। तो बस अब ये पहनाएंगे, इसको तैयार करेंगे, थोड़ा सा उसको वाइप से इसकी क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद हम बेबी को ले सकते। कैप देखो, कैप तो इससे मैच नहीं कर रहा, इसके आ जाए ऐसे थोड़ा सा फैला लग रहा है। खैर अभी तो जब कपड़े लिए जाएंगे बेबी के लिए तब उसमें कैप वगैरह सब लिया जाएगा, ये तो पहले से ले लिया था। और ठीक है, तभी तैयार करते हैं, बाद में मिलते हैं फिर। सो सारा सामान अब इकट्ठा हो गया है, ये सब कुछ पैक हो गया है और मेरा बेबी बिल्कुल तैयार है, इसको मैं लेके जाऊँगी बाहर। और मेरा बेबी मैं लेके आऊँगी, फिलहाल दे देते हैं। अच्छा दे दूँ फेस में? हाँ फेस में दिखा। चलो, और अब जो है हम लोग रूम से बाहर निकल रहे थे। सारे डिस्चार्ज की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी सारी की सारी पूरी हो गई थी, बहुत इजी प्रोसेस था, बहुत स्मूथली सारा काम हो गया, कुछ भागदौड़ नहीं करनी पड़ी एक्स्ट्रा। सारा कुछ रूम में ही सारी फैसिलिटीज़ दी इन्होंने, सारे डॉक्यूमेंटेशन जितना भी था सारा का सारा रूम में हो गया ईजीली, सिर्फ साइन वगैरह करने हुए। और फिर नर्स जितनी भी थी यहाँ पर सब बहुत हेल्पफुल थी, उन्होंने बहुत हेल्प करी, नीचे तक छोड़ने आई ही बाबू व्हील चेयर में बैठा के आराम से, ताकि कोई परेशानी ना हो। और सब बहुत ज़्यादा खुश हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। और घर पे सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमारे आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी जो है हम फाइनली घर पहुंच गए हैं, ये हिबा आ रही हैं। और मैं जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैं बताऊंगी व्लॉग में कि बेबी गर्ल है या बॉय है, तो ऐसा नहीं है, बेबी हिबा का है, तो राइट भी हिबा का है, तो वही अनाउंस करेगी, वही बताएगी बेबी गर्ल है या बॉय। तो जब तक आप हमारे व्लॉग में बने रहिए। बीबी आ गई, किसका बीबी आ गया? बीबी किसका बीबी है ये? बीबी आ चाहिए लाओ, मुझे दो भाई। अरे भाई लाओ मुझे दो, कैसे बैठ गया? अरे पेट में दर्द हो गया क्यों? बिल्कुल खुद लेना चाह रहा है भाई। अरे भाई ये दोनों मम्मा बन गए क्यों रो रहे हो? हेलो हटो, इसका पिलो तो वहाँ पर है कि हम डेकोरेशन करेंगे, कर लेंगे बेटा, अभी तो उसका फंक्शन वंक्शन भी होगा फिर कर लेंगे। अरे वालेकुम अस्सलाम, आप कहाँ थे? बेबी आपका है, आपका ही है बेबी। इसका टेम्परेचर ना थोड़ा कम करके चला देना। अभी ये बहुत बहुत वो होगा, मैं बनाऊंगी मगर डालूंगी। और अभी जो है सब लोग आराम से खाना खाने बैठ गए हैं, हिबा के लिए दाल बनी थी तो हिबा दाल पी रही है। मम्मी ने हम सब के लिए बनाया था कोरमा, मम्मी के हाथ का कोरमा जो होता है वो तो सबको पता ही है, A1 होता है, तो मजा आ गया खा के। मतलब किसने बनाया? अरे बाप रे बाप,
तो अभी हम जो है यहाँ पर है फरीदाबाद में ही, जैसा हमारे दिन एक के बाद एक दिन कट रहे हैं और ये यहाँ कुछ और कट रहा है। यशल भाई आप क्या खा रहे हैं? ये कागज कौन उतारने का? कागज समझे ये तो डालूंगी वीडियो में। आज वो दिन आ गया इतनी जल्दी, सही बात है। और इतनी अच्छी हवा लग रही है यहाँ पर, इतना अच्छा मौसम हो रहा है बहुत ज्यादा। अभी तो आए थे, इसलिए तो सारा सामान उतारा ऊपर से लाते किचन का काम करने लगे। अरे क्या करना, तो सीधे ऐसे करना है, जोर से हो जाएगा। अरे अभी तक तो ट्राई कर लेती फ्रेंड्स। और दोनों हाथ, हाँ दोनों हाथ करो 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 ऐसे करो। लटक जाती है, लटक जाओ उसके ऊपर। इतना क्या हो रही हो? और इतनी हंसी मजाक के पास फाइनली वो रैक बंद हो गई है और मैंने काम अपना स्टार्ट कर दिया। ये कुकर मैंने उतरवाया था, तो ये मैं जो है ना यखनी पुलाव बना रही हूँ इसमें, और फटाफट से मैंने बनाने स्टार्ट कर दिया है। ज़्यादा कुछ काम जहाँ नहीं करती मैं, फटाफट से बना देती हूँ। इसलिए मम्मी ने कहा कि तुम बना लो, और मुझे कुकर में ही बनाना पसंद है। मुझे लगता है चावल जो है ना कुकर में ही, मेरे हाथ से तो परफेक्ट चावल जो है वो कुकर में ही आते हैं, भगवाने में मेरे चावल जो है ना सही नहीं आ पाते, टूट जाते हैं। तो यहाँ पूरा तैयार हो गया है मामला, अब बस जो है इसमें सीटी लगाना रह गया। हरी मिर्ची टमाटर वगैरह सब ऊपर से मैंने डाल दिया है और अब इसमें सीटी लगाऊंगी। और जब तक मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है ना, एकदम मस्त हो रहा है। चलिए मैं दिखाती हूँ। तो चलिए मैं आपको बाहर का दिखाने आई हूँ बालकनी में, और ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम घने बादल हो रहे हैं और खूब तेज़ वाली बढ़िया वाली बारिश स्टार्ट हो गई है। बच्चों का तो मन कर रहा है नहाने का, बट इतना नीचे कौन लेके जाए ने नहलाए, फिर गीला गीला ऊपर लेके आए, अपना काम बढ़ा लें हम, तो वो तो बिल्कुल नहीं होने। तो मेरी बिरयानी एकदम पक्के तैयार है और एकदम अल्लाह, मैंने कुछ गिराया, बाद में देखूँगी क्या गिराया, थोड़ा टाइम लगेगा। वाओ इतनी अच्छी नहीं थी, लाइट चली गई ना इसलिए। मम्मी लगी है आपकी तैयारी में, सब बर्तन धुले रखे हैं यहाँ पे, मम्मी लगी पड़ी है पता नहीं क्या क्या बनाए खिलाएंगी, ये बनाना वो, ये रायता भी एकदम तैयार रखा हुआ है। चार छुट्टी बहुत जल्दी निकल गई, अफसोस के गमहीन है बहुत ज्यादा। तो अभी जो है हम निकल गए हैं फाइनली वापस दिल्ली के लिए। इतनी छुट्टियां कहाँ गई हमें पता ही नहीं चला, दो दिन तो मेरे हॉस्पिटल में चले गए, बच्चे घर पे थे, और मैं घर जाके अब बेबी को जो है ना बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था उसको छोड़ने का। खैर ये था आज का व्लॉग, इसको मैं यहीं एंड करती हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।